नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ कंचन। इंदौर के एक वेब डेवलपर द्वारा ऑस्ट्रेलिया के एक चार्टर्ड अकाउंटेंट से 1 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की गई है। आरोपी ने सीए से फ्रीलांसर वेबसाइट के माध्यम से संपर्क करके वेब एप्लीकेशन डेवलप करने का अनुबंध किया था। प्रोजेक्ट में अदायगी के नाम पर 1,77,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर यानी 1 करोड़ भारतीय रुपये का भुगतान लिया गया था। पुलिस ने आरोपी मयंक सरोजा को द्वारकापुरी इलाके से गिरफ्तार किया है। साइबर सेल एसपी जितेंद्र सिंह ने बताया कि इस मामले में ऑस्ट्रेलिया निवासी पॉल शिव ने शिकायत दर्ज कराई थी। मयंक सलूजा के खिलाफ धोखाधड़ी के मामले में ग्रीन पार्क पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। आरोपी ने मामले के समय अपने पुराने घर को बेचकर शहर में दूसरी जगह बस गया था, जिससे उसका पता लगाना मुश्किल हुआ था। साइबर सेल की टीम ने 3 स्थानों पर छापेमारी की और उसे गिरफ्तार किया गया। वर्ष 2023 में मई में एक शिकायत दर्ज हुई थी साइबर सेल में, जिसमें ये बताया गया था कि ऑस्ट्रेलिया के एक नागरिक हैं, पॉल शेफर्ड उनका नाम है, और उनके अधिवक्ता ने यहाँ ये शिकायत दर्ज कराई कि पॉल शेफर्ड के साथ इंदौर का ही एक निवासी है जो कि वेबसाइट डेवलपर है, और उसने एक कॉन्फ्रेंसिंग की वेब प्लेटफॉर्म डेवलप करने के नाम से उनके साथ ठगी की है, उनके फरियादी के साथ ठगी की गई है। इसी शिकायत के आधार पर अपराध पंजीबद्ध किया गया था आईटी एक्ट और 420 आईपीसी के अंतर्गत, और उसी में जो आरोपी है मयंक सलूजा उसको गिरफ्तार किया गया है, और मयंक सलूजा को पुलिस रिमांड पर भी लिया गया और उससे पूछताछ की गई तो ये पाया गया कि जो फरियादी है उसने लगभग 250 से ज़्यादा बार उसके खाते में पैसे जमा कराए हैं, और उसके एवज में जो तकनीकी कार्य जो वेब प्लेटफॉर्म डेवलप करके दिया जाना था उस प्लेटफॉर्म का एक्सेस भी फरियादी को नहीं मिला, और तकनीकी रूप से एक धोखाधड़ी भी उस फरियादी के साथ कारित। सर, लगभग कितने ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स की ये धोखाधड़ी जी? अभी जो जानकारी में आया है और जो परीक्षण साइबर सेल की इन्वेस्टिगेटिंग टीम ने किया है उसमें लगभग 1,77,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर की धोखाधड़ी जो है वो सामने आई है। देखिए, लगभग 1 करोड़ रुपए की ठगी। सर, इसमें कोई रिकवरी हुई है सर अभी तक? देखिए, ये जो पैसे आए हैं ये जो आरोपी है इसके खाते में आए हैं, ये स्थापित तथ्य है। आरोपी ने इसके एवज में जो वेब प्लेटफॉर्म डेवलप किया था, स्क्रीनशॉट प्रेजेंटेशंस उसका नाम था, उस प्लेटफॉर्म के क्रेडेंशियल्स को माननीय न्यायालय की अनुमति प्राप्त करके साइबर सेल ने अपने कब्जे में लिया। देखिए, ये जो आरोपी इसमें है जो वेब डेवलपर है मयंक सलूजा, ये जो बीएससी पार्ट वन इसने किया और उसके बाद ये प्राइवेट जॉब्स करने लगा, और 2017 से ये फ्रीलांसिंग कर रहा था वेबसाइट डेवलपमेंट की फील्ड में, और एक freelancer.com एक वेबसाइट है जिस पे लोग अपना जॉब वर्क देते हैं, वहाँ इसको ये ऑस्ट्रेलियन जो फरियादी है उससे इसका संपर्क हुआ और ये जॉब वर्क इसको प्राप्त हुआ, और इसने फिर ये वादा किया कि ये जो प्लेटफॉर्म है जिसको कि पहले से ही जो फरियादी है उसने डोमेन रजिस्टर करा रखा था, इस प्लेटफॉर्म को वो डेवलप करेगा और एप्पल कंपनी के साथ उसका अनुबंध है, और एप्पल कंपनी के प्लेटफॉर्म्स पर ये जो वेब प्लेटफॉर्म है ये बहुत अच्छे से चलेगा, ऐसा उसने वादा किया था। और बाद में उसने एक एग्रीमेंट भी दिखाया कि मेरा जो एग्रीमेंट है वो एप्पल कंपनी से है, और उसके CEO का तथाकथित लेटर वगैरह भी उसने शेयर किया था फरियादी के साथ, और बाद में फिर एक NGO बनाने के नाम से भी पैसा लिया। उसका ये कहना था कि एप्पल कंपनी साधारणतया NGO से वो करती है MOU करती है जिसमें कि इस तरह के प्रोडक्ट डेवलप किए जाते हैं, तो NGO बनाने के नाम पर भी फरियादी से पैसे लिए गए। उस NGO के बारे में ना कोई प्रपत्र ना कोई उसकी जानकारी फरियादी से शेयर की गई। टाइम न्यूज़ देखिए अब आपके मोबाइल और